आज के वीडियो में आपको सुष्मिता सेन और ललित मोदी के ब्रेकअप के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुष्मिता सेन और ललित मोदी के रिलेशनशिप को लेकर बहुत चर्चा रहती थी और दोनों के रिलेशनशिप की न्यूज जैसे ही सामने आई तो इस न्यूज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया। इस न्यूज को लेकर काफी ज्यादा बातें भी की गई। ललित मोदी ने अपनी और सुष्मिता सेन की पिक्चर शेयर की थी और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि वो दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। यही नहीं, ललित मोदी ने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स पिक्चर भी चेंज कर ली थी और साथ में बायो भी। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपनी पिक्चर लगा ली थी और साथ में अपनी बायो में उन्होंने लिखा था, फाउंडर IPL 20, इंडियन प्रीमियर लीग, फाइनली स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद माय पार्टनर इन क्राइम, माय लव सुष्मिता सेन। जैसे ही उनकी ये पिक्चर और ये बायो सामने आई तो फैंस ये समझ गए कि दोनों शायद शादी ही कर चुके हैं, बट उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन जरूर दे दी कि शादी हुई नहीं है, शादी हो जाएगी। और अब कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि ललित मोदी और सुष्मिता सेन के बारे में कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही और दोनों के बारे में काफ़ी समय से यही बताया जा रहा था कि दोनों अब साथ नहीं हैं। बट अब ललित मोदी ने कुछ ऐसा किया है और बिल्कुल ये हिंट दे दिया है कि वो दोनों साथ में नहीं हैं। जी हाँ, ललित मोदी ने जो अपने इंस्टाग्राम पर सुष्मिता सेन के साथ पिक्चर लगा रखी थी और साथ में बायो में भी उनका नाम लिख रहा था, वो अब सब कुछ खत्म कर दिया है। ललित मोदी ने अपनी सिंगल प्रोफाइल पिक्चर लगा ली है, साथ में उन्होंने अपनी बायो भी चेंज कर दी है और वहां से भी सुष्मिता सेन का नाम हट चुका है। इसके बाद ये तो काफी हद तक क्लियर हो चुका है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चल रहा और ये रिश्ता खत्म हो चुका है। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे थे कि सुष्मिता सेन ललित मोदी की बजाय अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ ही दिखाई देती थी। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल लाल सिंह चड्ढा के प्रीमियर पर देखे गए। उसके बाद सुष्मिता सेन की मदर की बर्थडे पर भी रोहमन शॉल को ही देखा गया और सुष्मिता सेन की बेटी के साथ और उनकी बेटी की बर्थडे पर भी रोहमन शॉल को ही देखा गया। रोहमन शॉल और सुष्मिता के एक साथ फिरने पर बहुत से क्वेश्चन उठाए जा रहे थे और यही बताया जा रहा था कि दोनों फिर से साथ हो चुके हैं, लेकिन ललित मोदी ने ऐसा लगता है कि सबको काफी हद तक क्लियर कर दिया है और उन्होंने ये बता दिया है कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। बट ललित मोदी को इस सब पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें काफी ज्यादा नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ रहा है। ललित मोदी ने जैसे ही अपनी पिक्चर और अपनी बायो चेंज की तो काफी सारे फैंस का कहना था कि सुष्मिता सेन उन्हें छोड़कर चली गई हैं और ये उनके साथ काफी बुरा हुआ है। कुछ और लोग उनके बारे में और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बट अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है या दोनों अभी भी साथ हैं, इस पर कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट तो नहीं है और कंफर्मेशन रिपोर्ट दोनों ही दे सकते हैं। बट इतनी सारी चीजों को देखकर यही लगता है कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आपको सुष्मिता सेन और ललित मोदी के ब्रेकअप के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।